guys. Hi, this is Richa. I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. So, yet another movie. लंदन नहीं जाऊंगा और फिर से हुमायूं सईद वही मतलब अभी अभी हमने उनको उनको देखा उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें करी एंड अगेन और उनका पता नहीं बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ हाँ वो कोई भी कैरेक्टर प्ले कर आते हैं उनकी खुद की पर्सनालिटी इज वेरी डिफरेंट मतलब वो एक बहुत अच्छे से जजते हैं वो यू नो वो एक स्टार नहीं लगते वो एक एक्टर लगते हैं उनको देख के वो इंटेंसिटी हाँ, देख के हाँ. प्लस हमने उनको मेरे पास तुम हो में थोड़े से डायलॉग्स एंड ऑल में देखे एक्चुअली वो मतलब वो बहुत कन्विंसिंग है उसमें वो हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं एकदम जैसा उनको बहुत बेसिक वे में ना उनको yeah. ऐसे टच हो जाता है उनका वैसा है एंड इसमें महविश हयात है कुबरा खान है कुबरा को देखो कितना मजा आ रहा वही इसका जो थंबनेल है वो भी इतना है अरे लाइक उन लोग का कॉस्ट्यूम और सब तो नाम भी एक्चुअली काफी अच्छा है मतलब यू नो बहुत कैची होते हैं ऐसे कुछ कुछ भी ऐसे नाम रख देते ना बड़ा ऐसे कन्विंसिंग लंदन नहीं जाऊंगा हाँ एंड इन दोनों काफी सारे रिकमेंडेशन आए मुझे वो याद आ रहा है हमने थिंकिंग ब्रेन में जब देखा था अपन को लगा था इतनी एज होगी फिर उनकी एज इतनी निकली वो दिखते इतने से है Oh God. और उनका मतलब एक्टिंग के बारे में आई थिंक हमने इतना ज्यादा सुन रखा है मतलब हमने देखा नहीं है उनको हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं आई थिंक आधे जब आप इतने सारे कमेंट्स पढ़ते हो आपको पता चलता है कि हाँ ठीक है एक्टर कितना अच्छा है ये वो इवन ये हम जो बोल रहे हैं ये बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ है हाँ, हमें उतना ज्यादा आइडिया नहीं है लेकिन सीन देखा है क्योंकि उनको देख के ना उनकी इंटेंसिटी फील होती है उनके फेस पे है वो हर कैरेक्टर को बहुत अच्छे से अडॉप्ट करते हैं यार हाँ और जब हम कमेंट्स एंड ऑल पढ़ते हैं मतलब मेरे पास तो मतलब जब तक थोड़े बहुत कमेंट्स एंड ऑल याद है जो उनके मतलब वो कितने हार्ट ब्रोकन थे और हमने हाँ और प्लस एक स्टोरी की बात भी उनके लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट हो जाती है कि वो वहाँ की फर्स्ट ऐसी सीरीज थी जिसका लास्ट एपिसोड थिएटर्स में था और वो इतना ह्यूज सीरीज है वहाँ का तो जब वो एक हार्ट ब्रोकन रोल में थे जहाँ पे लोगों के लिए उनको और सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है तो उसके बाद और ज्यादा सब कुछ प्लस प्लस होते जाता है ओ गॉड और वो भी फर्स्ट था यार वो और भी तो बहुत सारे परिजात वो फर्स्ट था परिजात सेकंड था मुझे मेरे ऑफिस वाले बंदे ने ये कहा है उन्होंने कहा कि मैं कह रही थी परिजात की बात चल रही थी उन्होंने कहा था फर्स्ट जो हुआ था वो मेरे पास तुम्हों का हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कमेंट्स में भी प्रोबेबली पढ़ा है हमें उस पर भी रिएक्शन देना है मुझे अचानक याद आया मतलब ऑफ कैमरा बात करनी चाहिए थी लेकिन अभी ठीक है वो मेरे पास सुमो सब देख के जब लास्ट एपिसोड आया बाहर एंड यू नो वो लोगों ने कमेंट्स किए थे कि लोग कितना रोए हैं वो पूरा रिकॉर्डेड है मतलब कितना ज्यादा मजा आने वाला है आज हम मूवी करेंगे रिकॉर्ड अगर मिलेगा तो यस गाइस तो स्टार्ट करते हैं ट्रेलर उसके बाद बातें करते हैं सारे एक इसको लंदन नहीं जाना और एक इकड़ा मतलब रिचा को घर नहीं जाना चलो देखो मेरी अम्मी बचपन से ही मुझे देखकर कहती थी मेरा जमील घोड़ी कब चढ़ेगा बंदा जबरदस्ती की शादी में घोड़ी तो चढ़ जाता है शादी पाओ मुंह के बल जा पड़े बगैर मोहब्बत की शादी भी कोई शादी निरी बेस्वादी मेरी मंगनी ना कराओ अब्बा जी मंगनी कैंसल डायरेक्ट नकाह करा देते हैं ओ बाबी शादी मैंने पाकिस्तानी लड़की से नहीं करी तो शादी के लिए कौन से मुल्क को इम्तिहान में डालना है मुझे कभी प्यार ही नहीं हुआ प्यार को आप जानते नहीं हो जमील साहब नहीं होता तो लगता है होगा ही नहीं लेकिन जब होता है तो मंगने वाले दिन हो जाता है जान के मुल्ला तो तू जान कटी जानी है दस मैनू सोनी है कि मेरे कोलो लड़की जब शर्ट को पकड़ के अपनी तरफ खींचे ना तो समझो खिंच पड़ रही है उसको वैसे और जब भी इतनी कोई सेक्सी तो नहीं थी तुम होते कौन हो पूछने वाले कुछ होने में वक्त ही कितना लगता है इधर आपने कहा डील डन उधर कुछ हो जाएंगे हम जिससे मोहब्बत करनी पड़े
उससे कभी मोहब्बत न करो। पंचायत की भी यही मर्जी है कि उनके सामने आप हलफ उठाओ कि आप लंदन नहीं जाओगे। मैं हलफ देता हूँ, मैं लंदन नहीं जाऊंगा। और लंदन भावलपुर से भी बड़ा है, हर तरफ बंदे ही बंदे। औरतें भी हैं चौहान साहब। पाकिस्तान वापस चले जाओ वरना लाश जाएगी तुम्हारी। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड द आंसर इज दिस। प्यार नहीं हुआ मुझे, आई डोंट लव यू एंड आई मीन एवरी वर्ड ऑफ इट। चल चौधरानी, किस्मत ने पलट कर वार किया। किस्मत पलट कर वार नहीं करती चौधरी साहब, मोहब्बत करती है पलट कर वार। ये शादी नहीं हो सकती। यार छड़ गया है तो यार मोड़ दे। मेरी माशूक किसी और का हो जाए तो मार डालो। देखिए कम देख कर वापस चले जाओ पाजी, इस हद से आगे मकतूल की फैमिली खड़ी। प्यार करना आता है मुझे, करके दिखाऊंगा। दीवानों के मर्द प्यार नहीं करते, लड़कियां करती हैं प्यार और वो करके दिखाती हैं। तो अर्ज किया है, जहाँ पर तुमको रखा था वहाँ पर हार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। यार छड़ गया है, जान कट गया है। लास्ट में शादी तो नहीं हो रही है। I'm very confused. मेरे को पहले बताओ क्या हुआ। Okay, I guess नहीं, ये वो भी मुझे हाफ नहीं समझ आया, जो हाफ समझ आया वो भी मैं बीच बीच में से जो समझ आया वो उठा के। उनको महवेश पसंद है, उनको महवेश आई गेस काफी दिल से पसंद आ जाती है एंड में तो। एंड लेकिन कुबरा का क्या सीन था? कुबरा से शादी होने वाली थी लेकिन उन्होंने कहा मुझे यहाँ की बंदी से नहीं करनी, मुझे बाहर की बंदी से करनी है या कोई और बंदी से। फिर वो आती है और इनको महवेश के लिए अट्रैक्शन होता है। बट मैं लंदन नहीं जाऊंगा, ये जो टाइटल है, जो एक फुल स्टोरी जिसके आसपास होनी है, मुझे वो नहीं समझ आया कि वो कैसे हुआ। क्योंकि मैं ये वादा करता हूँ मैं लंदन नहीं जाऊंगा कि नेक्स्ट सीन में वो लंदन में है एंड वो उसके घर वाले ये डिमांड रखते हैं कि तू यहाँ से नहीं जाएगा, मेरे तो लंदन शिफ्ट नहीं होगा। हाँ, वो बंदी यहाँ पे आएगी। अरे अपने अजम्पशंस। हम बैठे ट्रेलर देख के तो कोई भी लगा था वो इतना बड़ा ट्रेलर हमारे हाथ में दे दिया उन्होंने। हमेशा अच्छा तो ये 20-20 सेकंड वही मिलता है उसमें ही हम स्टोरी बनाते, तो इस बार तो हमें स्टोरी के लिए काफी कॉन्टेंट, पूरी मूवी अपन को संभाव दे दी है उन्होंने। बस थोड़ा और कंफ्यूजन के साथ इज गोइंग टू बी बहुत डेविड धवन टाइप, थोड़ी फनी 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 एग्जैक्टली, क्योंकि नाम ऐसा लंदन सारे शॉट्स बनी थे। हाँ, रोम-कॉम लगी थी बहुत। हाँ, लेकिन नहीं, इसके ना बहुत और चीजें हैं क्योंकि बहुत बीच बीच में फाइट सीन्स है जिसको बहुत एम्फसाइज किया है। सीरियस है यार बीच बीच में। और लास्ट में महवेश किसको हग करके वो लाइन्स बोल रहे होगी, हुमायूं को, हुमायूं किसको बोल रहे थे, कुबरा को। मेरे को तो लगता है दोनों एक दूसरे को ही बोल रहे हैं, मेरे को आधी इसलिए समझ। इसमें मेन हुमायूं लास्ट में जाएंगे किसके साथ? आई थिंक मैं नहीं, अगर सी एक्चुअली अगर उनको सच्ची में वो प्यार हो गया महवेश से तो आई थिंक हैप्पी एंडिंग वैसे होगी महवेश के साथ। लेकिन आई थिंक इफ उनकी वो जिद है कि उनको यहाँ की लड़की मतलब यू नो उससे नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना किसी से, तो आई थिंक वो कुबरा के साथ। बट मुझे इतना लग रहा है कि लास्ट में शादी तो, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुबरा से बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम और इम्पोर्टेंस महवेश को दी हुई है। बहुत ज्यादा, क्योंकि कुबरा को ढूंढना पड़ा था बीच बीच बहुत ज्यादा। वो सिर्फ जो शुरू में थोड़े टाइम थे वो थोड़े से टाइम के लिए थे, उसके बाद वो एक बेड पर लेटने वाला सीन था एंड आई गेस उतना ही था उनका जो एकदम दिख रहा था कि हाँ ये कुबरा है। बाकी सीन्स पूरे के पूरे महवेश और हुमायूं के बीच के दिखाए हैं यार। ये तो बड़ा बहुत कंफ्यूजिंग ट्रेलर था, मतलब मे बी लोगों को हमने वैसे फर्स्ट टाइम देखा ना, मतलब सेकंड टाइम देखेंगे हम ज्यादा समझ आएगा एंड फिर हम जब कमेंट्स पढ़ेंगे इतना स्टुपिड फील होगा ना। मतलब हमेशा ऐसा होता है कि जब वीडियो में समझ नहीं आया लोग नीचे एक्सप्लेन करते हैं और कुछ कुछ मतलब थोड़े एरोगेंटली भी एक्सप्लेन करते हैं, तो वैसे लगता है अरे यार मतलब सो स्टुपिड ऑफ अस यार, कहीं पर ऐसा लगता है ना क्यों बोला ये क्यों बोला। सबसे सिर्फ मैं रहता हूँ कुछ बोलता है। काश पीछे जाके वो सीन ही उस वीडियो में से हटा पाए, यहाँ पे अपन एक पॉइंट के पीछे पूरे 2 मिनट कुछ बोलते जा रहे हैं तो टोटली रॉन्ग प्रूव हो जाता है। ये हमेशा होता है। ऐसे मन गया था ऐसे चद्दर लेके वो यू नो मीम्स आता है ना, ऐसे खड्डा डिग करके अंदर सो के ऊपर पूरा ऐसे मिट्टी डाल दो कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला। आई विश हमारे पास है ना वो कंट्रोल होता
कि एक बार हम वीडियो डाल दिए, उसके बाद हमें पता चल गया कि ये बहुत स्टूपिड बोल दिया, हम बीच में से जाके कट कर देते हैं। लाइफ में डोरेमोन चाहिए। अरे यार ये तो मैं बहुत, अपन इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लंबा डिस्कशन हो जाएगा। सबसे बड़ा मिसिंग पार्ट है सबसे बड़ा, और सब कुछ ठीक है, डोरेमोन चाहिए यार। एक अगर वो लोग के वहाँ पे वो नहीं हुआ तो कार्टून, अच्छा एक्सप्लेन करें शॉर्ट में। डोरेमोन के पास गैजेट्स होते हैं। हाँ तो नोबिता एक बंदा होता है जिसकी डोरेमोन बहुत हेल्प करता रहता है, वो अपने ऐसे यहाँ पे उसको पॉकेट है और पॉकेट से गैजेट्स निकाल के देता है, जैसे टाइम मशीन या फिर ए टू जेड। उसके पास हर सोल्यूशन होता है, हर सोल्यूशन ए टू जेड। मैजिक डोर होता है जो खोल के तुम कहीं भी, टाइम मशीन ना, नहीं मैजिक डोर, अच्छा एनीवे डोर। हाँ जो भी, अब मेरे को मैजिक डोर नाम याद आ रहा है यार। ठीक है गाइस, वी हैड फन बहुत कंफ्यूजन के साथ। बाय बाय, नीचे हम कमेंट्स में देखेंगे कि हमने क्या बताओ। हाँ अच्छे से हम कि हमें वो करना ना पड़ेगा, चद्दर के अंदर बैठना। तो यस गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।